हाँ मिल जाएगा। ठीक है तो चलो चलिए हमारे साथ। अभी तक बहादुर वापस नहीं आया, क्या बहादुर? हमने ऐलान कर दिया, ऐलान करवा दिया था, ऐलान कर दिया, लेकिन सुबह के पौने 10 बजने वाले, लेकिन अभी तक कोई किसान कर्जा लेने के लिए देख तो नहीं पा रहा है। ठीक है, हम लोग किसानों का इंतजार करते हैं। वे कौन है? हमें यार जाओ, जब गरीब रहे तो पैसा काहे खो गए रहा। चलिए ठाकुर साहब है, क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर साहब हमारा नाम रंगम है। रंगम? हाँ तो बोलो तुम्हें कितना कर्जा दिया जाए। ठाकुर साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं और हमारे यहाँ पर इस साल बहुत बारिश हुई, खेत में कुछ रह नहीं गया, घर वो भी गिर गया है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमें 500 रुपया दे दें ताकि हमारे बच्चे जी सकें। ठीक है रंगम, तुम्हें 500 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन हमारे हवेली का एक कसूर है। ठाकुर साहब कौन सा दस्तूर है? हमारे हवेली का ये उसूल है कि एक हफ्ते के अंदर अगर तुमने 500 जो कर्जा लिया अगर उसे वापस कर दिया, एक पैसा ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं जरूर से जरूर आपका पैसा वापस करूंगा। और दूसरी बात, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने पैसा मेरा वापस नहीं किया तो तुम्हें एक हफ्ते के एक भी दिन अगर फाजिल हो गया उसके बाद तुम्हें मेरी हवेली पर आकर मेरे खेतों पर काम करना होगा। ठीक है ठाकुर साहब, समझ गए? पैसा नहीं दे पाएंगे तो आपके यहाँ आपके खेतों पर काम करके ये सारा पैसा हम अदा कर देंगे। ये लो। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अगर पैसा दे दिया तो तुमसे एक भी पैसा ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, अब तुम जा सकते हो। बहादुर देखो, अब लगता है कोई किसान नहीं आने वाला, अब कोई मैं आराम करने के लिए चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। और मेरा भतीजा सावन पढ़ने के लिए कॉलेज गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। क्या बात है, वापस नहीं आया? ठीक है, मैं आराम करने के लिए जब आता तो मेरे पास भेज देना। बहुत अच्छी बात। अरे पिया सना नाना रतिया सना नाना होई मोरी पिया, कि हवेली पे कर्जा लेने को गए थे और वो वापस नहीं आए। मैं आज उनका इंतजार करती हूँ। राधा की माँ। कौन स्वामी जी? देखो मैं ठाकुर साहब के पास गया था और वहाँ से ये पैसे लेकर के आया। बहुत अच्छी बात स्वामी जी। और अपने जो बच्चे हैं ना जी, राधा का ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात स्वामी जी। खाने पीने की कोई तकलीफ ना होने पाए। और राधा कहाँ है स्वामी जी? राधा तो कॉलेज को गई है और आती ही होगी। ठीक है, वो जो पहुंचे पहुंचे किसी बातें हो रही हैं? बेटी राधा जी, पिताजी मैं तुमसे पूछ रहा था, देखा कि घर में राधा नहीं है, गई कहाँ पर? मैं कॉलेज गई थी। अच्छा,
मैं खेतों पर जा रहा हूँ काम करने के लिए ठाकुर साहब पे, और राधा को जब आएगी तो खाना बनाकर खिला देना, क्योंकि पैसे घर में हो गए हैं और भूखों मरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटी राधा, कहीं माँ जी क्या बात है? देखिए तुम्हारे पिताजी ठाकुर साहब के हवेली को गए और उनसे 500 रुपये कर्जा लेकर के आए हैं। अब इसी में काम चलाना है बेटी, क्योंकि गरीबी बहुत अपरंपार होती है, तुम जानती हो। हाँ माँ, चलो पिताजी खेत को काम करने गए हैं और मुझे उनके लिए खाना बनाना है। चलो बेटी। क्या बोला तो? नहीं बोला। देख आज पूरे एक हफ्ता बीत गए। अच्छा, रंगम किसान 500 रुपए लेकर गया। ओ, या तो बात सही, ना तो पैसा वापस किया और ना ही वो काम करने के लिए हवेली पर आया। अरे हाँ, नहीं ससुरो मुलाकातें के देती है तो नहीं बात है, बात हो जीते। ठीक है, आना जोर से तब मैं उससे पूछूंगा। साला एक हफ्ते के अंदर पैसा भी नहीं दिया, काम करने भी नहीं आया। बहुत चोटिया पट्टा दे। रंग। हाँ ठाकुर साहब। मैंने तुझसे क्या बतलाया था कि एक हफ्ते के अंदर पैसे दे जाना, एक पैसा नहीं ब्याज लिया जाएगा। हाँ ठाकुर साहब। और आप एक हफ्ते से दो दिन फाजिल हो गए और तू पैसा तो देना दूर, सूरत तो दिखाने हवेली पर नहीं आया, न काम करने के लिए आया। राम को तेरी इतनी जरूरत इतनी हिम्मत हो गई तो क्यों काम कर ले देवी। Chiba!
बात क्या है बेटा सवाल? हाँ चाचा जी, इससे मैंने बतला था कि अगर मेरा कर्जा समय से वापस किया तो एक पैसा ब्याज नहीं लिया जाएगा। और एक हफ्ता तो क्या साला उसके चार दिन बाद आया, वो भी काम करने के लिए नहीं आया तो 12 बजे आया। मेरा तो जी चाचा जी, ये गरीब किसान है बेचारे, समय से आपका कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या गुनाह हो गया? आज नहीं तो कल दे ही देंगे, क्योंकि जब ये मूलधन ब्याज सहित वापस करते हैं तो ठीक है, जहां पर 15 दिन के बजाय एक महीने हो जाएंगे तो एक महीने का ब्याज ये बिचारे देंगे। फिर आप इन पर क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? सावन, मैंने उससे कहा था कि अगर पैसा नहीं दे पाया तो मेरे खेतों का काम करना होगा, इसे अच्छी तरह से समझा दो। ठीक है, आज से खेतों की मुड़बंदी करेगा। ठीक है चाचा जी, मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, और आप व्यर्थ में क्रोध करके अपना भी मूड खराब कर रहे हैं। बेटा सावन, आप तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन इससे कह दो कि अपने 10 बीघे का जो प्लाट है इसे चारों तरफ खेतों की मुड़बंदी करना है। बहुत अच्छी बात है, मैं आराम करने के लिए चला। ठीक है चाचा, घबराओ नहीं, मुझे मालूम है कि अगर इस दुनिया में चाचा जी को कुछ भी प्यारा है तो सिर्फ धन रुपया। तुम्हें मालूम है कि बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से इतने दूर चले गए, जहां जाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता, और इस हवेली का आधे का हिस्सेदार मैं भी, लेकिन वो मेरे चाचा हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया होगा मैं उन्हें भी समझा दूंगा, और तुम समय से काम पर आ जाया करो। घबराओ नहीं, मैं तुम गरीबों का मददगार हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जोत से जोत